बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उसकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। फिलहाल बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद उनका जो शव है वो परिवार को सौंप दिया गया है, जहां पर उन्हें अब कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आपको बता दें, इसी बीच मुख्तार उनके बेटे उमर अंसारी का एक आखिरी बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में पिता मुख्तार अंसारी और बेटे उमर के बीच बातचीत को सुना जा सकता है। ये बातचीत मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद मुख्तार ने बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत और छोटे बेटे उमर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उमर अंसारी पिता का हालचाल पूछ रहा था, जबकि मुख्तार बता रहा था कि 18 तारीख के बाद से उसने रोजा नहीं रखा है, एक भी जमात नहीं हुई, लगातार बेहोश हो रहा है। मुख्तार अंसारी और उमर के बीच काफी सारी बातें हुई, जिसमें मुख्तार ने सबसे पहले कहा, हाँ बाबू हम ठीक है। उमर अंसारी ने कहा, बस अल्लाह ने बचा लिया, रमजान का पाक महीना चल रहा है। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, बेहोशी टाइप हुए जा रहे हैं, कमजोरी लग रही है। उमर अंसारी ने कहा, मैंने देखा न्यूज में आप कमजोर हो गए हैं, हम कोर्ट में है मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, दरोगा अंकल भी कोशिश कर रहे हैं, अगर परमिशन मिली तो मिलने आएंगे। मुख्तार अंसारी ने कहा, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं। उमर ने कहा, जहर का असर दिख रहा है, सब जहर का असर है, हिम्मत करे पापा फोन कर लिया कीजिए, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। मुख्तार अंसारी ने कहा, हाँ बाबू बॉडी चली जाती है, रू रह जाती है। उमर अंसारी ने कहा, हिम्मत रखिए, अभी हज करना है, कोई और होता तो मर गया होता अब तक। मुख्तार अंसारी ने कहा, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, व्हील चेयर के सहारे हैं। उमर अंसारी ने कहा, जल्द आप सेहतमंद होंगे। मुख्तार अंसारी ने कहा, आज आए थे तो बेहोश हो गए थे। उमर अंसारी ने कहा, वॉशरूम जा रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मुख्तार अंसारी ने जिसके बाद कहा कि 10 दिन से हम वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं। उमर अंसारी ने कहा, मैं आपके लिए जम जम लेकर आऊँगा, खजूर खाइएगा, जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे, फल भी लेकर आऊँगा। बेटे और मुख्तार अंसारी के बीच की ये आखिरी ऑडियो कॉल है, जिसके बाद लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की आखिरी दिनों में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुख्तार अंसारी ने मौत से कुछ दिनों पहले कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार ने चिट्ठी में कहा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में कुछ जहरीला दिया गया, जिसके बाद मेरी तबीयत खराब होती गई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का कहना है कि मुझे पापा ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश है, अब मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मुख्तार का परिवार पहले से ही प्रशासन पर उनकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाता रहा है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।